दोस्तों, बड़ी सारी मेहनत के बाद हमारा जो फाइनल केक था, क्योंकि पिछले वाला तो मतलब ऐसे ही काम चलाओ बन गया था, लेकिन असली केक अब तैयार हो गया हमारा। तो वो ये है, देखो ये कितने तगड़ी लेयर का है, 3 लेयर का बना है पूरा, और ऊपर से कुछ इस टाइप का है ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं, तो सब मैं अभी उठ गया था क्योंकि मेरी 9 बजे से अभी क्लासेस शुरू हुए हैं मेरी ऑनलाइन, तो मतलब जल्दी उठ गया था। थोड़ा हाथ मुँह धो के फ्रेश होकर पूरा बैठूंगा, फिर उसके बाद भैया तो मतलब अभी उठ चुका है, पार्क भी उठ चुका है, सुबह अपनी कार से खेलना है। देखो दिखाता हूँ, देखो सुबह अपनी कार से खेलने गया, और मम्मी भी उठ चुकी है। भैया बाहर कपड़े सुखा रहा है अभी, मतलब कपड़े सूख ही नहीं, मतलब 3-4 दिन से कपड़े सूख ही नहीं, धूप भी नहीं निकल रही यहाँ पे। तो देखो ये क्लास ले लो ना, इसने पहले ली क्लास जल्दी भाई, थोड़ी मेरी थोड़ी लेट शुरू होती है। सुबह अब दोपहर के 1 बज चुके हैं और खाना बन चुका है। खाना बनाया राजमा चावल और रायता, जल्दी पहले खा लेते हैं फिर उसके बाद ट्यूशन चलेंगे, जल्दी खा लेता हूँ फिर मैं। तो गाइस मिलते हैं अब, नहीं मिलते नहीं है, अभी अभी मिले हैं हम, सुबह शाम मिला हूँ मैं। तो सुबह से 2 वीडियो बनाई है कृष्णा ने, बनाई है मतलब अभी कृष्णा जब भी वीडियो बनाना कहता हूँ ना, ये 2-4 वीडियो बनाता है वैसे। तो ये अभी ताला लगाएंगे हम बाहर से, क्योंकि मम्मी तो अभी घर के काम कर रही है, थोड़ा लेट हो गया काम करने में, तो मैं बाहर से ताला लगाता हूँ, वरना मम्मी फिर आएंगी नहीं अभी बार बार गेट खोलने के लिए, तो हम ही बाहर से बंद कर चले आएंगे, फिर हम ही खोल देंगे आके अंदर से। चलते हैं जल्दी से, मैं लॉक लगाता हूँ घर में, और कृष्णा जरा आगे चला गया किसी को सामान लेना मेरे को, मतलब मेरा पैन ख़त्म हो गया था ना, तो वो पैन लेने गया मेरे लिए, मैं जल्दी से पहले लॉक लगा देता हूँ। तो गाइस अभी मैं ट्यूशन से बाहर आ गया हूँ, तो आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे को काम थोड़ा ज़्यादा करना था, इसीलिए आज थोड़ा लेट हो गया ट्यूशन से बाहर आने में, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। तो अब चलते हैं पहले घर, क्योंकि मम्मी के पास अभी फ़ोन जो है मतलब वो ख़राब हो रहा है, तो वो हमें कॉल कर नहीं सकती, तो जल्दी चलते हैं फिर, वो सोच रहे होंगे कि कहाँ रह गए। तो गाइस अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं और हम बाहर जा रहे हैं, मतलब मार्केट जा रहे हैं, मतलब मार्केट तो बाद में जाएंगे, लेकिन पहले यहीं आसपास की दुकानों पे एक सामान पता करना है। तो आज हम सोच रहे थे कि मतलब एक दिन कृष्णा का आपने देखा था कि इसने बड़ा अजीब सा केक बनाया था, तो वो तो बड़ा बेकार लग रहा था और केक खाने का मन भी कर रहा था, तो बार बार खरीदने कौन जाए। तो मैं सोच रहा हूँ आज घर पर बना के देखते हैं केक कैसा बनता है, मतलब मैं बना के देखूँगा आज इसके पास, ये तो बेकार आदमी है, तो मैं बना के देखूंगा आज केक, देखते हैं कैसा बनता है। तो बाहर चलते हैं, पहले सारा सामान लेके आएंगे केक बनाने के लिए, ये जो जो यूज़ होता है, मैं फालतू का जुगाड़ वाले काम नहीं करता इसकी तरह फालतू के काम करता है, तो पहले सारा सामान अच्छे से इकट्ठा करके सारा जो मतलब जैसे जैसे बनाते हैं सेम वैसे वैसे बनाऊंगा ताकि बढ़िया बने। तो चलते हैं जल्दी से बाहर की तरफ। तो गाइस अभी हमने लगभग सामान तो ले लिया है, और थोड़ा बहुत सामान जो रह रहा है वो लेने के लिए हम मेन मार्केट जा रहे हैं, तो जल्दी चलते हैं पहले, मतलब सारा सामान ले लिया, एक जो छोटे मोटे सामान रह रहे हैं वो लेने के लिए जा रहे हैं, और मार्केट तक पहुँच ही गए लगभग, तो जल्दी चलते हैं फिर देखते हैं मिलता कि नहीं मिलता। तो गाइस अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, और हमें थोड़ा मार्केट जाने में लेट हो गया था, इस वजह से मैं आज नहीं बना रहा हूँ केक, तो कल सुबह बनाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो वैसे भी थोड़ी कमी बनी थी, इस वजह से कल की इसमें ऐड कर दूंगा, तो पूरी एक दिन की वीडियो बनने मतलब काफ़ी मतलब हो जाएगी मेरे पास अच्छी खासी वीडियो। तो अभी फिलहाल हम तो खाना खा रहे थे, खाने में बनी है वो मतलब आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूरी बनाई है मम्मी ने आज, तो अभी जल्दी से पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा देखते हैं बिस्तर विस्तर सही करेंगे अपने घर मतलब सोने के लिए, थोड़ा आज जल्दी सोएंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठ के मैं केक बनाने की तैयारी करूँगा, फिर जल्दी खाना खाते हैं फिर जल्दी चलते हैं सोने। तो गाइस अब सुबह के 10 बज रहे हैं, और आज मैंने जल्दी मतलब सुबह उठ के पहले जल्दी नहा धो लिया, क्योंकि आज मेरे को केक बनाना है, तो अभी मैं सुबह से बनाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि फिर जब तक अच्छे से बिल्कुल बना बना के तैयार कर दूंगा, मतलब जल्दी कोई नहीं करूंगा मैं, सही से बनाऊंगा, बड़े आ देखते हैं आज कैसा केक बनता है। तो अभी चलते हैं पहले नाश्ता कर लेता हूँ मैं थोड़ा, मम्मी ने आज आलू के पराठे बनाए हैं बहुत दिनों बाद, तो जल्दी खाते हैं फिर उसके बाद बनाने की तैयारी करेंगे। मम्मी जब तक थोड़ी किचन विचन साफ़ करके रख देंगे अच्छे से, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना पड़े, सारे बर्तन वर्तन सब साफ़ कर देंगी। जल्दी चलते पहले नाश्ता कर लेता हूँ, और कृष्णा नहाने जा रहा है, मैं तो नहा चुका हूँ, मैं अभी जस्ट नहा के बाहर आया था, तो कृष्णा तो नहाने से ला गया अभी, और पार्थ खेल रहा है, पार्थ नहीं नहाया, ठंड हो रही है इसलिए पार्थ को नहीं नहलाएंगे, काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो रहा था सुबह सुबह, तो अभी भी देखो हल्का हल्का पीछे हल्का हल्का धुआं धुआं ऐसा लग रहा है, और अभी कपड़े वपड़े तो नहीं सूख रहे हैं यहाँ पे, वरना रोज सूखते रहते हैं।
घर के अंदर सूख रहा है लेकिन कपड़े अभी भी, और अभी पहले जल्दी चलता हूँ, मैं नाश्ता कर लेता हूँ, उसको केक बनाने की तैयारी करनी है। तो आज ये केक का हमारा बैटर है, तो दस के अंदर क्या डाला तुम? बटर, तेज बटर डाला है, और ये कंडेंस मिल्क आता है एक डाला है, और शुगर पाउडर डाला है, बस पहले से मिक्स करना। तो अच्छे से पहले इसको मिक्स करते हैं, तो उसको क्या करना उसको बता दूंगा अभी। हाँ तो देखते रहो हमारी वीडियो, तो देखो आपको अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो रहा है, ब्लॉग की वीडियो पर कुकिंग वीडियो मिल रही है आपको। तो जल्दी पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस देखो ये पूरा हमारा बैटर तैयार हो गया, मतलब इसमें हमने उसमें रख दिया उसके मोल्ड में, तो अभी से हम जल्दी से बनने के लिए रख देंगे, और फिर लगभग आधा घंटा लगता है बनने के लिए, पहले से जल्दी से रख देते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे, निकालने के बाद भी आपको दिखाएंगे कैसा बना। तो गाइस देखो हम इसमें बना रहे हैं केक, क्योंकि मतलब माइक्रोवेव या फिर ओवन तो कुछ है नहीं घर पे, तो इसलिए इसे बना के ट्राई करेंगे कैसा बनता है। तो अब जल्दी इसे बंद कर देते हैं पहले, उसके बाद आधे घंटे बाद इसे खोल के देखेंगे। तो दोस्तों देखो ये बन गया है, दिखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि इसे थोड़ा सजाना पड़ता है ना, तब जाके सही लगता है ये, तो इसके भी आइसिंग करेंगे हम थोड़ी देर में। तो ये अभी ठंडा होने देते हैं, और हमारे ट्यूशन का टाइम आ रहा है, हम ट्यूशन जा रहे हैं, तो जब ये बिल्कुल बढ़िया करके ठंडा हो जाएगा परफेक्टली तभी खोलूँगा मैं इसे, जब बिल्कुल अच्छे से थोड़ा टाइट टाइट सा हो जाएगा तभी। और ये थोड़ा मेरे को लग रहा है इसमें हल्का बटर ज़्यादा हो गया, क्योंकि देखो उंगली पे दिख रहा है ना इस टाइप से, तो ऐसे ही लग रहा है मेरे को बटर ज़्यादा हो गया इसमें, बस सही बना हुआ बस खाने में, तब से बात है कुछ इसके केक से तो अच्छा लग रहा है दिखने में। इसका अजीब केक देखा था? नहीं देखा हो तो देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देखना, बोलता था डिस्क्रिप्शन। तो गाइस अब मैंने वो केक को बाहर निकाल के देख लिया है, लेकिन एक दिक्कत है तो मतलब ये हुआ ना कि जो मैंने मोल्ड लिया था जब इसमें मैंने केक बनाया था इस बर्तन में, तो वो था खुलने वाला साइड से, मतलब ऐसे लॉक खोल देते तो वो ढीला हो जाता है, फिर उसका अपने आप निकल जाता है बाहर को, तो उस वजह से उसमें या तो मतलब सही से वो खुल नहीं पाया है, जो भी हुआ थोड़ा मतलब पीछे की नीचे की तरफ से हल्का बाहर सा निकल गया था वो, तो वो थोड़ा मतलब बना तो सही है, बना सही है, लेकिन वो थोड़ा पतला हो रहा है इस वजह से, मतलब पतला वैसे पतला नहीं, मतलब जितनी उसकी हाइट चाहिए थी मेरे को लगभग इतनी हाइट चाहिए थी, और वो इतना हो रहा है। तो मैं एक और अभी एक अलग टाइप का वो लेके आ रहा हूँ, तो मतलब मैंने जो भी एक वीडियो देखी थी उसमें देख के बनाया था ना मैंने, मतलब हर कोई ऐसे बनाता है तो अब जैसे उसने एक मतलब उसने एक स्टील के कटोरे टाइप में बनाया था, तो मैं अब वैसे टाइप के बना के देखूंगा। तो एक स्टील का कटोरा लेके आता है पहले, क्योंकि इस टाइम घर में इतना साइज़ का कटोरा नहीं है, छोटा है थोड़ा, मतलब हमें लगभग थोड़ा 6 इंच के आसपास का चाहिए, तो वो लेने के लिए हम जा रहे हैं, जल्दी चलते हैं पहले फिर लेके आते हैं। तो मतलब आज हम दो केक बना रहे हैं, वो अलग मतलब सही बना है, खाने में भी सही है और वैसे भी सही है, दिखने में भी सही लग रहा है, लेकिन वो थोड़ा नीचे आए इस वजह से, मतलब उसे जैसे लेयर काटनी होती है तो वो लेयर नहीं कट सकती, उसमें से लेयर काटूंगा तो वो ज़्यादा पतला हो जाएगा, फिर वो टूट भी सकता है, तो इसलिए उसे डायरेक्ट ऐसी आइसिंग कर देंगे उस पर, और जो दूसरा बनाऊंगा मैं उसे बीच में से काट के उसको सही से बनाएंगे। तो चलते हैं पहले और देखते हैं कौन सा ज़्यादा बढ़िया लगता है खाने में और दिखने में। तो दोस्तों अभी मैंने वो वाला केक तो अभी बनने के लिए रखा नहीं, दूसरा वाला, तो अभी फिलहाल मैं इसके लिए विप क्रीम बना रहा था, मतलब सजाने के लिए जो मतलब आइसिंग होती है पूरी केक की, तो उसके लिए मैंने ये पूरा पैक यूज़ करा था। तो ये मतलब विप क्रीम के मतलब आती है ये, तो इसे मतलब बाउल के अंदर डाल के फिर विस्क करना होता है पूरा, तो 20-25 मिनट तक लग जाएगा मेरे को इसे पूरा करने में, मतलब पूरी क्रीम टाइप की जब बन जाएगी तो मैं दिखा दूंगा आपको। तो दोस्तों देखो अब दूसरे केक के लिए मैंने ये बैटर बना लिया है, अब बनाएंगे दूसरा केक। इस बार मैंने थोड़ा और इसे थोड़ा मतलब वैसे करा है ज़्यादा थिक, क्योंकि पिछले वाले साल मेरे को ज़्यादा पतला हो गया था, इस वजह से कुछ ज़्यादा सही से नहीं बन पाया, तो इस बार थोड़ा ज़्यादा बनाया मैंने, और इस बार ये इस टाइप के कुछ स्टील के कटोरा टाइप जो था उस टाइप में बनाएंगे। तो ये भी मैं अभी लेके आया था, तो अब जल्दी से इसमें शिफ्ट करते हैं, ये पूरा बन गया वैसे, और इसमें शिफ्ट करके बस पकाना है इसे, जल्दी करते हैं फिर उसके बाद बना के देखते हैं कैसा बनता है। तो गाइस जो हमारी व्हिप्ड क्रीम जो थी मैंने अच्छे से व्हिप करके बना ली है, तो बिल्कुल बढ़िया हो चुकी है देखो, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लग रही है, मैंने थोड़ी सी खा ली थी चोरी छुपे तो देखते हैं इस बार भैया केक कैसा बनता है। दोस्तों हम जो हमने पहले वाला केक जो बनाया था उसे डेकोरेट करते हैं पहले, तो इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ऐसे अजीब मत समझना बेचारे को। तो ये तो नीचे वाला हिस्सा है, इसके ऊपर हमने ऐसे स्लाइस काट के मतलब वो अलग रख रखा है, पहले इसके ऊपर हम क्रीम व्रीम लगाएंगे फिर उसके ऊपर वो लेयर लगाएंगे। तो जल्दी से पहले इसके ऊपर हमें ये मतलब ये चाशनी टाइप की बनानी होती है ना, मतलब इसमें चेरी वाला सिरप डाल के, तो वो पहले फैला देते हैं इस पर अच्छे से। दोस्तों अब आप देखेंगे टाइम लैप्स। Thank you.
दोस्तों अब बिल्कुल मतलब परफेक्टली मैंने उस पर पूरी आइसिंग कर दी है सही से, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपने देखा तो होगा वैसे, ये देखो तो कुछ इस टाइप का लग रहा है वैसे तो, ये अभी पूरा वाइट वाइट है उसमें आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अभी पूरे इसके फूल बनेंगे और फिर उन पर चेरी लगा दूंगा और यहाँ पे चॉकलेट स्प्रिंकल होती है क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट केक बना रहा हूँ ना मैं, तो इसलिए यहाँ पे तो देखो इसकी हाइट थोड़ी कम है इस वजह से मेरे को दिक्कत लग रही थी। अब दूसरा जो बना रहा हूँ वो थोड़ा बड़ा है तो वो लगभग थोड़ी ऊंची हाइट का बनेगा तो वो बढ़िया बनेगा और ज्यादा, तो ये भी वैसे सही लग रहा है दिखने में। तो पूरा घुमा घुमा के बना डाला मैंने और पार्थ भी यहाँ पे घूम रहा है, चॉकलेट खाया जा रहा है। तो अब जल्दी से मैं पहले इस पर फूल बनाता हूँ फिर उसके बाद देखते हैं। पूरे दिन भर की मेहनत के साथ मतलब कल भी बहुत मेहनत लगी थी बाहर मार्केट में जाके इतना सारा सामान ढूंढ के लाया हूँ, तो पूरी मेहनत के बाद अब लास्ट में हमारा केक बन के तैयार हो गया है। तो देखो कुछ इस टाइप का बना है हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक, तो मतलब ये थोड़ा हाइट में छोटा है क्योंकि ये मतलब मैंने बताया था ना कि वो कुछ दिक्कत आ रही थी उसमें पहले वाले बॉक्स में, इसलिए उससे सही नहीं बन पाया। तो अब दूसरा बन रहा है, मैंने उसे अभी खोल देखा वो तो बिल्कुल इतना हो रहा है कि बिल्कुल डिब्बे से बाहर कूदने को तैयार हो रहा है। तो ये तो मैंने बड़ी मुश्किल से डेकोरेट करा, मतलब ये थोड़ा वैसे भी करना थोड़ा कमजोर सा भी था, यहाँ पे इसे काटने में और फिर बनाने में काफी मेहनत लगी, बड़े बड़ी नाजुक तरह से बना के रखा है तो पूरा डेकोरेट हो गया है। तो इसके फ्लावर जो होते हैं अधिकतर लोग इसके ऊपर ये चेरी रखते हैं, तो मैं इसके ऊपर रख रहा था लेकिन ये सही से टिक नहीं पा रही थी, फिर नीचे को गिर रही थी, इस वजह से मैंने अंदर की तरफ रख दी। अब तो अब चलते हैं जल्दी इसे काट के देखते हैं और चलो फिर दूसरे रूम में चलता है पापा को दिखाता हूँ। दोस्तों अब हम इस कमरे में आ गए और हमने केक रख दिया है सबको दिखा दिया है। तो देखो हमारी नानी भी आई आज, मतलब केक कटवाने हमारे साथ, हमें इन्हें बुलाया था अभी, तो मम्मी इधर बैठी है और पार्ट जब से कह रहा भैया ताली बजाओ भैया ताली बजाओ, तो पार्ट से कटवाएंगे इस केक को। चलो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं काटना इस केक को। दोस्तों हमने पार्थ को बिठा दिया, आज पार्थ से कटवाएंगे केक, तो पार्थ अपनी चेयर पर बैठ गया छोटी सी, अब इससे कटवाते हैं जल्दी से। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पार्थ, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इससे निकल ही नहीं पा रहा कृष्णा से, सही से काट उसे पहले पार्थ, थैंक यू बोलो। अंदर से दिखाता हूँ मैं, तो अंदर से कुछ टाइप की लेयर टाइप की बनी थी जो मैंने दिखाया था बनाते हुए, डबल लेयर ही थी, ट्रिपल लेयर बनानी होती है दूसरे वाले केक में, ट्रिपल लेयर बनाऊंगा। तो पहले इसे खा के देखते हैं और सबसे पूछते हैं कैसा लग रहा है, पहले मम्मी को पापा को खिलाते हैं, तो पापा को खिला के देखते हैं पहले, तो बताते हैं अब कैसा बना है। तो पापा को बढ़िया लगा, अब मम्मी को खिलाते हैं, पार्थ तो ताली बहनों को कह रहा है बहुत अच्छा बना।
सही में बहुत टेस्टी। तो पार्थ को खिलाते हैं उसे तो क्रीम क्रीम खिला दी उसका मुछे वाली केक भी तो खिला उसे क्रीम क्रीम उसके मुंह में डाल दी बेचारे के। देखो केक खुद हथियाने का ही लगा तो इसे पहले ये खुद ही खा के देखेगा ना कृष्णा पहले तू खा के देखा पहले तू खा सही है बढ़िया है अच्छा बना तो मैं भी खा के देखता हूँ हाँ। तो दोस्तों मतलब मेरी पहली बार बनाया था मैंने तो उसके हिसाब से सही बनाया है मतलब वैसे ऐसे मार्केट में मिलता है वैसे तो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है तो अब रानी को खिलाते हैं अब इनका रिव्यू लेते हैं आप लोग खाइए पूरे मुंह पे लगा लिया इनका मैंने मुंह साफ करवाया था मैं तो दोस्तों अब ये दूसरा वाला केक भी हमारा जस्ट रेडी हो गया लगभग तो ये बीच में से हल्का हल्का यहाँ पे से मैंने इसमें वो ट्राई करा था ना वो टूथपिक डाल के तो ये थोड़ा बीच में से फिचक गया लेकिन उसकी कोई टेंशन नहीं से इस लेयर को बीच में डाल देंगे बीच वाले जगह ऊपर कर देंगे ये पूरा तीन लेयर का बनाया जैसा कि मैं चाह रहा था नॉर्मली देखो साइड से दिखाता हूँ एक बार तो इस तरफ से देखो ये थोड़ा उससे पहले वाले से बड़ा है तो अब इसे जल्दी से डेकोरेट करते हैं ऐसा पहले इसकी लेयरें कट करते हैं फिर उसके बाद जल्दी डेकोरेट करेंगे। दोस्तों बड़ी सारी मेहनत के बाद हमारा जो फाइनल केक था क्योंकि पिछले वाला तो मतलब वैसे ही काम चला बन गया था लेकिन असली केक अब तैयार हो गया हमारा तो वो ये है देखो ये कितने तगड़ी लेयर का है तीन लेयर का बना है पूरा और ऊपर से कुछ इस टाइप का है ये तो देख लो अच्छे से पूरी तीन लेयर का ब्लैक फॉरेस्ट केक बना है तो ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है उससे भी पहले वाले से भी वो थोड़ा मतलब हाइट में छोटा लेकिन खाने में अच्छा लग रहा था वो भी वैसे भी अभी अभी तो नहीं खा के देखेंगे क्योंकि अभी सबके पेट भरे हुए हैं अच्छे से और फिर अभी इसे खाएंगे तो खाना कौन खाएगा तो इसे सुबह तक के लिए स्टोर कर देते हैं ख़राब नहीं होगा वैसे ये सुबह खाएंगे उठ के इसे तो अभी फिलहाल मैं सबको दिखा रहा था ये घर में तो बड़ी सारी मेहनत लग गई आज तो 9:30 बज गए अब रात के और लगभग मैं सुबह 12 बजे से बना रहा हूँ तो इतनी रात हो गई सोचो यार मतलब अगर मेरे को किसी बेकरी में काम मिल गया मैं तो सारे केक का ऑर्डर रेडी ले कर दूंगा तो बड़ी सारी मेहनत के बाद ये बड़ा सुंदर केक बन गया हमारा देख सकते हैं आप मतलब जितना मेरे से बन सकता था उतने मैंने कोशिश करके सही से बनाया है और काफ़ी भारी है ये वाला तो पिछला वाला थोड़ा हल्का भी था ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा है ऐसा लग रहा है 1.5-2 किलो का लग रहा है ये तो हाँ जैसे 1 पाउंड का केक होता है मतलब ये साइज में तो 1 पाउंड जैसा लग रहा है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा भारी है नॉर्मल केक से तो इसे भी पहले साइड रख देता हूँ हाथ में दर्द हो गया इसे पकड़े पकड़े तो इसे मैं पहले कहीं सेफ जगह रख के रख देता हूँ क्योंकि फिर सुबह काटना है ना फिर पार्थ वार्थ का भी उसका हाथ लग गया तो वो तो पूरा फेंक ही देगा उठा के। तो अभी हम खाना भी खाने जा रहे थे आज मम्मी ने खाने में साग बनाया है मतलब बड़े दिनों बाद सर्दियों का मतलब यही तो मज़ा आता ना कि मतलब चावल की रोटी बनाते हैं और वो साग बनाते हैं तो उसके साथ बड़ा मज़ा आता है ठंडी ठंडी उसमें खाने में। तो अब जल्दी से खाने के इंतजार करते हैं कब तक बनेगा और इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि एडिटिंग में सुबह उठ के करूँगा अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है बहुत ज़्यादा थक गया मैं अब थोड़ी देर लेटूँगा सुबह से खड़ा हुआ ना तो थोड़ी देर लेटूँगा जाके तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता है उम्मीद आपको पसंद आएगी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में बाय बाय।